जीवन या तो एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी हो सकती है या फिर बुद्ध द्वारा कही गई एक कथा, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट और इट कैन बी अ टेल टोल्ड बाय अ बुद्धा। ये सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम सोए रहते हो, अचेतन रहते हो, तो तुम्हारा जीवन मात्र एक संयोग होगा, हवाओं और लहरों की दया पर अर्थहीन मृत्यु की ओर तैरते हुए, हर दिन अधिक से अधिक उदास और अंधेरे में बदलते हुए। लेकिन अगर तुम थोड़े सजग और जागृत हो जाते हो तो जीवन की गुणवत्ता तुरंत बदल जाती है। तब ये मात्र संजोग नहीं रह जाता, इसमें एक सूक्ष्म अर्थ उत्पन्न होने लगता है। वह अर्थ है आनंद, ब्लिसफुलनेस। और फिर जीवन एक सुंदर कहानी में बदलने लगता है, अपार आयामों की एक उपमा में। फिर एक अकेले व्यक्ति के जीवन में संसार के सभी शास्त्र समाहित हो जाते हैं। फिर कोई अपने ही हृदय की धड़कन के भीतर पूरी सृष्टि की कहानी पढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त पूरी करनी होगी, एक को थोड़ा और अधिक जागृत होना होगा, थोड़ा और अधिक सचेत होना होगा। आनंद उसी अनुपात में बढ़ता है जितनी सचेतता। ये तुम्हारे होश की मात्रा पर आधारित है। यदि कोई दुखी है तो वह दर्शाता है कि वह सोया हुआ है। यदि कोई आनंदित है तो ये दर्शाता है कि वह जागा हुआ है। यदि कोई पूर्ण रूप से आनंदित है तो ये दर्शाता है कि वह पहुंच गया है। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी में बदल दो जो तुम्हें आनंद की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। एक जागृत और सचेत जीवन हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हमें दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है, और यही वह स्थान है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। प्रणाम।